चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ टू ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल द करंट इज 0.5 एम्पियर। अच्छा, व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5 ओम, ठीक है, द करंट इज 0.25 एम्पियर, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज। सबसे पहली चीज, दो सिनेरियो दिखेंगे। पहले सिनेरियो में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और करंट है 0.5 एम्पियर की। दूसरे सिनेरियो में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उस वक्त करंट है 0.25, तो ईएमएफ की वैल्यू निकालना है। तो यानी ईएमएफ दोनों केसेस में सेम है, केस वन और केस टू हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, सेल लगाया और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये एक्सटर्नल इंटरनल ईएमएफ, ठीक है। और दूसरे सिनेरियो में रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, 5 ओम का है ना, ठीक है, सेल तो वही है तो उसका ईएमएफ वही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही होगा। इसका R1 का, इसकी वैल्यू को R2 का, R2 की वैल्यू है कितनी, 5 ओम, और R1 की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। और इधर पहले केस में करंट की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस में 0.5 एम्पियर, दूसरे सिनेरियो में I2 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर है। तो दोनों सिनेरियो में हम इक्वेशन बना सकते हैं, ईएमएफ करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का सम, इसमें भी ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो करंट इसमें I2, इसमें करंट I1, इसमें रेजिस्टेंस R1, इसमें R2, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों में सेम होगा क्योंकि सेल एक ही है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा है कि दो अलग अलग सेल है, सेल एक ही है, तो ईएमएफ भी सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। तो दोनों सिनेरियो में इक्वेशन बनाते हैं थोड़ा। 0.5 I1 की वैल्यू 0.5 है, 0.5 ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 दिया है, इंटरनल नहीं मालूम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0.25 इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू, वही सेम होगी ई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 प्लस स्मॉल आर। दो इक्वेशन बन गए दो सिनेरियो में, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ई या आर की वैल्यू जो भी निकल जाए पहले उसको निकालेंगे। पहले देखते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, 1/2 करते हैं, 1/2 करो, यहां पर मैं लिख देता हूं। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू ई अपॉन 2 प्लस आर अपॉन ई अपॉन 5 प्लस आर, ई से ई कटा, 0.5 बाय 2.5 कितना होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाय ये 5 प्लस आर ऊपर जाएगा, 2 प्लस आर नीचे आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, ये आर को इधर लाओ, 4 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 ओम आएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम आ गई, ठीक है, देखो कैलकुलेशन सही किए, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू रख दो पहले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दो पहले इक्वेशन में, 0.5 इज इक्वल टू ई अपॉन 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा 3 इंटू 0.5, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ रहा है, ये आ रहा है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।